हे गाइस, मैं हूं अतुल और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं फेज करंट, लाइन करंट और फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज के बारे में। आखिर ये क्या है और किस तरह से जो है हम लोग ये मेजर कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी अगर आपके पास डाउट हो या फिर आपका कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, मैं आपको जो है बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूंगा, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और हो सके तो आप नोट्स भी एक बना लीजिए जिससे कि आप जो है इसे बाद में रिवाइज भी कर सकें। ये जो फेज़ करंट और ये फेज़ वोल्टेज है या फिर लाइन करंट और लाइन वोल्टेज, ये दोनों का कॉन्सेप्ट जो है बहुत अलग है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फेज़ वोल्टेज और लाइन वोल्टेज के बारे में। गाइज, ये जो फेज़ वोल्टेज है ये एक सिंगल कंडक्टर से पास होने वाले वोल्टेज को जो है फेज़ वोल्टेज कहा जाता है, और ये जो लाइन वोल्टेज है ये लाइन वोल्टेज कहा जाता है दो फेज़ में जो है हमारा कितना वोल्टेज पास हो रहा है। तो इस बात को आपको जो है ध्यान में रखना है कि फेज़ वोल्टेज हम उसी को बोलेंगे जो कि एक सिंगल कंडक्टर से हमारा वोल्टेज पास हो रहा है, और लाइन वोल्टेज उसे कहेंगे जहां पर दो कंडक्टर से हमारा वोल्टेज जो है पास हो रहा है। तो अगर कभी भी आपको फेज़ वोल्टेज मेजरमेंट करना हो तो आपको तो मल्टीमीटर लगेगा, और मल्टीमीटर का जो है दो प्रोब होता है। तो फेज़ वोल्टेज को मेज़र करने के लिए पहला प्रोब जो है एक फेज़ में लगेगा और दूसरा प्रोब जो है वो आपका न्यूट्रल में लगेगा, तभी जो है आप एक सिंगल फेज़ में जो है हमारा कितना वोल्टेज पास हो रहा है इस चीज़ को आप जो है मेज़र कर पाएंगे। अब बात करते हैं गाइस लाइन वोल्टेज के बारे में। अगर आपको लाइन वोल्टेज मेज़र करना है तो आपके पास जो मल्टीमीटर है उस मल्टीमीटर के पहला प्रोब को किसी एक फेज़ में लगाना है, सपोज़ कि आर फेज़ में लगा दिए, और दूसरे प्रोब को दूसरे फेज़ में लगा दिए, सपोज़ कि वो वाई फेज़ है, तो वो जो है आपको आर और वाई के बीच में हमारे कितना वोल्टेज है वो आपको पता चल जाएगा। तो ये जो हमारा फेज़ वोल्टेज होता है वो जनरली 220 से 230 का रहता है, और ये जो हमारा लाइन वोल्टेज होता है ये जो है 415 से 420 के बीच में होता है। अब बात करते हैं ये फेज़ करंट और लाइन करंट क्या होता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है फेज़ वोल्टेज लाइन वोल्टेज से बहुत सिंपल सा है। तो अगर आपको फेज़ करंट मेज़र करना है तो आप जो है इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है क्लैंप मीटर से आपको जो है आपको एक सिंगल फेज़ पे लगाना है, आपके फेज़ लाइन में से कितना करंट जो है पास हो रहा है वो जो है आप नोट कर लीजिए। अब सपोज़ मान लीजिए आप जो है स्टार डेल्टा स्टार्टर में जो है फेज़ करंट और लाइन करंट दोनों मेज़रमेंट करने का रहता है, तो उस जगह में क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले एक सिंगल फेज़ में जो है कितना करंट हमारा पास हो रहा है आप पहले वो देख लीजिए। अब ये फेज़ करंट को अगर आपको लाइन करंट में कन्वर्ट करना है तो आपको जो है सिंपल रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपके पास जो है लाइन करंट आ जाएगा। तो आई होप गाइस कि आपको जो है फेज़ करंट फेज़ वोल्टेज और लाइन करंट लाइन वोल्टेज के बारे में डाउट जो है मैं क्लियर कर सका, और आप जो है इस चीज़ को इंडस्ट्रीज़ में जा कर के अप्लाई ज़रूर करें ताकि आप भी जो है प्रैक्टिकली आपका एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो सके। तो गाइस, अगर आपको मेरे बताने का टेक्निक पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ मेरे वीडियोस को शेयर करिए ताकि उन्हें भी पता चल सके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कौन कौन से फैक्ट हैं। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।